नमस्कार, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये लाइट डिस्टर्ब कर रही, सबसे पहले मैं लाइट ऑफ कर दूं। और कैसे हैं आप सब, आप लोग जरूर बताइएगा। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बना तो रही थी, पब्लिश ही नहीं कर पा रही थी। और ये अभी मैंने सोचा कि मेरी बेटी ने बोला बहुत दिनों के मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी हुआ है सुबह का 8 बजा हुआ है, सुबह का टाइम है। और हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, चाय रखा हुआ है, चाय। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे कुछ है, दिखाती हूँ आपको। एयरपोर्ट नीचे करना पड़ेगा। ये हाय मेरा इडली का बैटर। और ये फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। और इसमें है दाल सांभर के लिए। और बनाएंगे हम नारियल की चटनी। और एक नारियल था, उसे फोड़ा तो वो खराब निकल गया। तो गुनगुन के पापा गए हैं लेने। और कैसे हैं आप सुंदर? यार ये ना ट्राइपॉड को मैं ऊपर करूँ क्या? तो झुकना पड़ता है, ये हाइट तो ज़्यादा ही है। और ये एक चिटचैट वीडियो भी है, बकबक भी है। आप बोलोगे चिटचैट करते करते बकबक करने लगे, लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं की थी। तो कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं, ये तो आप लोगों को भी आता होगा और मैंने शेयर कर चुका है अपना। जैसे भी मैं बनाती हूँ, हर टाइम अलग अलग बनाती हूँ मैं। सांभर इडली तो सेम ही बनता है, सांभर का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चटनी का चेंज हो जाता है। ये क्या यार, ये बिन बुलाए मेहमान है, होम रेमेडीज से इसका वेलकम नहीं करूंगी मैं, क्योंकि बिन बुलाए हैं। पिंपल। और चलिए चाय बनाते हैं, आप लोगों के साथ चाय पीते पीते बातें करते हैं और नाश्ता बनाते हैं। चलिए पहले मैं लाइट है ना, ये वाली ये ट्यूब लाइट ही बंद कर दूं, क्योंकि बिल्कुल ना ऐसे लाइट पड़ता है सीधा सीधा। यार कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो ये ऊपर में एक बल्ब लगा हुआ है ना, वो फ्यूज हो चुका है। और लॉकडाउन के कारण हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेंटेन करें क्या नहीं। सामान मिलता नहीं है, जो है उसी में काम चलाना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा कैमरा इधर रख लिया। और ये देखिए यहाँ पे शक्कर चाय पत्ती रखी हुई है, मैंने शक्कर चाय पत्ती भी नहीं डाली चाय में, बात ही करने लगी आप लोगों से। और चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा बातें कर ली क्या मैंने? और यहाँ पे मैं चाय की तैयारी जो है वो कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, किस किस को चाय बहुत पसंद है, मुझे भी। और ये मैं मटका लेके आई घड़ा, मार्केट से बहुत मुश्किल से मिल गया लॉकडाउन में। और घड़े का पानी काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे। और मुझे घड़े का पानी ही पसंद है, फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं पीता। और शीतल भी होता है घड़े का पानी। और फिर चाय मेरी बन रही है। और सिलेंडर का कवर भी धोने के लिए रखा हुआ है, मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मंगाया था सिलेंडर कवर, काफ़ी अच्छा है। तो सिलेंडर चेंज करने के बाद मैं धो नहीं पाई, वही मैं बता रही थी आपको। और वो रखा हुआ है। और चाय अच्छी सी बॉयल होती है हमारी चाय, तभी मज़ेदार लगती है। और चाय में आप लोगों को क्या क्या डालना पसंद है? मुझे इलायची वाली चाय पसंद है। और अभी मैंने अदरक डालना बंद कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बहुत गर्मी में तो यार अदरक वाली चाय पीनी भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि इम्यूनिटी का है अभी फ़िलहाल, तो आप लोग डाल के पी सकते हैं। और यहाँ पे मैं केवल मैंने थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का डिमांड था कि अदरक भी डाल देना, और फिर अदरक और इलायची वाली चाय। कोई लोग कॉफ़ी पीते होंगे, सबको पता, लेकिन सुबह तो मुझे चाय पसंद है। हाँ ये थोड़ा बुरा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और सांभर के लिए मैंने यहाँ सब्ज़ियाँ काटी हुई है, सब्ज़ियाँ मुझे सहजन चूँकि ज़रूरी होती है, लेकिन सहजन मुझे मिला नहीं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है यहाँ पे। और लॉकडाउन में जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल है मैं उसी से बना लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग पसंद भी है और बच्चों को चाहिए भी यार घर पर भी। तो हम लोग बाज़ार का वेट नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट का वेट नहीं कर सकते, तो जो है उसी में बना लेते हैं। तो मैंने जो सब्ज़ियाँ थी उसी में सांभर बनाना, उसे समझा। और मेरी चाय बन चुकी है,
चाय रेडी है और आप लोग मेरे साथ कब पियेंगे चाय ये बताइएगा। कितना अच्छा है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ चिटचैट भी करें, चाय भी पिए, गपर गपर। और ये सौंफ का पाउडर मैं दिखा रही थी, सौंफ का पाउडर चाय में एक अच्छा सा ना फ्लेवर ला देता है और गर्मी में तो डालना भी चाहिए। मैं ये पीस के रखती हूँ, सौंफ का पाउडर हो गया, जीरा पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, लौंग का पाउडर, ये सब पीस के रखती हूँ। कभी भी मुझे यूज़ करना होता है मैं डाल लेती हूँ। अभी तो मैंने सत्तू भी पीस के रखा हुआ है और इस तरह से बस तैयारी चल रही है मेरी इडली की। थोड़ा टाइम लगता है सांभर बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया, उसमें हल्दी नमक डाल दिए और उबाल रही हूँ। कभी कभी मैं सब्ज़ियाँ एक साथ डाल के पका लेती हूँ, कभी मैं दाल सेपरेट पका के फिर सब्जियों को सॉटे करके डालती हूँ। यहाँ पे मसाले दिखा रही हूँ कि गर्म मसाला भी, जब भी सब्ज़ी बनाना होता है गर्म मसाला फ्रेश पीस के डालती हूँ। और एवरेस्ट का ही मसाला मैंने सांभर मसाला यूज़ किया और गर्म मसाले को मैं इस तरह से रखती हूँ। और ये देखिए हल्दी और मिर्च पाउडर डाल के मैंने ऐसे उबालने के लिए रख दिया है अपनी दाल को, सांभर को। और इधर पे मैं सब्जियों को सॉटे करूँगी। सब्जियां मैं कम ऑयल में ऐसे ही सॉटे करके डालती हूँ ताकि वो पक जाए अच्छे से उसमें, मतलब अच्छे से पक जाने से ना वो काफ़ी और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोग सांभर कैसा बनाते हैं, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। और ये मेरे पास ना ये मल्टी कढ़ाई है, काफ़ी पुरानी मल्टी कढ़ाई है, उसी में मैं ढोकला भी बनाती हूँ और इडली इसमें सांचे दिए हुए अलग अलग। तो ढोकले का है, इडली का है, और कभी केक बनाना होता है तो मैं इसी में बना लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बन जाती है, काफ़ी काफ़ी अच्छी है ये मल्टी कढ़ाई। बस एक बार, और सुविधा भी है, सुविधाजनक भी है। इमली देखिए, मैंने इमली लिख के रखी हुई यहाँ पे, इमली ये मेरे खेतों का है, मेरे गांव से लाई हुई थी तो मैंने इसको स्टोर करके रखा है। थोड़ी सी इमली का रस जो होता है, इमली पानी भी मैं डालूंगी ताकि मेरा सांभर का टेस्ट और बढ़ जाए। दो टमाटर डालूंगी, टमाटर इसलिए डालती हूँ ताकि, टमाटर सभी डालते होंगे लेकिन टमाटर से क्या होता है ना, कोई भी सब्ज़ी में आप कहीं, मैं जब भिंडी भी बनाती हूँ ना, दही भिंडी, तो उसमें भी मैं टमाटर डालती हूँ तो उससे ठीक हो जाता है, काफ़ी ग्रेवी अच्छा बनता है टमाटर से। और ये मैंने चढ़ाना चालू कर दिया अपना, यही पात्र जो है ना मेरा अंदर रखा रहता है कवर्ड में, तो मैं उसको निकाल के भी धोती हूँ, यूज़ करके वापस रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट होता है फ्रेंड्स मेरे यहाँ तो, खासकर डस्ट के कारण फिर वो बाहर रखना। और कम जगह भी है किचन में, गवर्नमेंट क्वार्टर का आप सोच सकते हैं, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। कम जगह पे भी देखिए स्लैब भी काफ़ी छोटा है, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना किचन या छोटे से घर को कैसे मेंटेन करती हूँ, छोटे से किचन को, तो ये वीडियो में बना के डालूँगी कि मैं अपने सामान कैसे रखती हूँ, बर्तनों को कैसे रखती हूँ। और फिर ये ग्रीस कर रहा मैंने पात्र को, इडली पात्र को ग्रीस करने के बाद सब डाल के बनाया, इडली चढ़ा दी मैंने। और सुनाइए आप लोग लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं। नारियल है जो छील लिया गया है। आप लोग चाहें तो मूंगफली और नारियल दोनों की चटनी बना सकते हैं, यहाँ मैं सेपरेट नारियल की चटनी बना रही हूँ। और लाल मिर्ची का
तड़का दूंगी मैं। ये मैं सारे मसाले जो है सांभर के लिए वो निकाल रही हूँ। आप लोग इसमें तो मैं ऐसा कुछ खास नारियल की चटनी में नहीं करती हूँ, नारियल ले लेती हूँ छिलके और उसमें अदरक मिर्ची बस और नमक, बस ऐसी सिंपल सी चटनी और तड़का दे देती हूँ उसमें सरसों का। और सांभर के लिए मैं मेथी दाना, सरसों दाना और हींग बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और उड़द की दाल, मिर्ची और करी पत्ता, बस ये चीज़ें हैं सांभर के लिए मैं इतनी चीज़ें यूज़ करती हूँ। हाँ, हींग बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं किसी भी सब्ज़ी में हींग यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और बस मेरा सांभर भी बहुत अच्छे से ये दाल पक गया है, उसमें मैं सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ। उसके बाद उसको एक से दो सीटी लगा लूँगी क्योंकि दाल ऑलरेडी पक चुकी है और सब्ज़ियाँ भी सॉटे हो चुकी है, तो बस उसके बाद उसके पका के उसके बाद हम तड़का दे देंगे। और इस तरह से आप साथ ही साथ में काम करते रहते हैं ना, हम तो फटाफट से काम हो जाता है, इधर इडली चढ़ाया, इधर सांभर बनाया और चटनी साथ में, तो टाइम सेविंग भी और साथ में सफाई भी आप करते रहिए किचन का, मैसी हो जाता है किचन यार, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वैसे भी अगर कम जगह हो तो और भी दिक्कतें होती है, तो आप साथ में बर्तन भी साफ़ करते जाइए, उस जगह को साफ़ करते जाइए, तो काफ़ी ईजी होता है। तो बस मैं साथ ही साथ में सारा करते जाती हूँ, तो मेरा फटाफट से एक घंटा पौन घंटे में सारा हो जाता है। तो आप लोग भी ये कटिंग चॉपिंग भी साथ ही साथ करते जाइए और गुनगुनाइए झांकनी। मदर्स डे है ना, तो एक्साइटेड है। और ये वीडियो मैं इतने दिन बाद अपलोड कर रही हूँ यार, क्या करें, हो जाता है। और इस तरह से सही तैयारी चल रही है मेरी। चेक करने के लिए कोई सा भी नाइफ है वो डाल के देख लीजिए, अगर वो चिपक के बाहर ना आ रहा हो मेरे लिए तो पक चुका है आपका इडली रेडी। और ये मेरी इडलियाँ भी बन चुकी हैं और अब मैं सांभर को तड़का दूंगी। सांभर के लिए ऑयल चढ़ाया है मैंने यहाँ पे, ये देखिए ऑयल चढ़ा के फिर तड़का दे रही हूँ मैं उसको इस तरह से। मिर्ची है यहाँ पे, मैंने अदरक मिर्च और लहसुन को पीस कूट लिया है, और जब ताज़ा कूटा हुआ रहता है ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो ये मैं पीस लेती हूँ किसी भी सब्ज़ी में, मैं अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट के डालती हूँ। सांभर में भी ऐसे ही कर रही हूँ, कई लोग नहीं डालते हैं लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का।
देखिए प्याज सारा तड़का रेडी है। आप इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक होने दीजिए तड़का, क्योंकि सांभर किसी भी सांभर में, चटनी में, सब्ज़ी में तड़का बहुत ज़रूरी है कि तड़का अच्छे से होना चाहिए। और ये देखिए मैं ढक के कवर कर देती हूँ तड़के को, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है, उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। और ये मेरा सांभर रेडी है, साथ में है टमाटर की चटनी, सांभर रेडी है। सांभर मैं आप दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है, मेरा सांभर बहुत ही यम्मी दिख रहा है। और साथ में है टमाटर की चटनी, टमाटर लहसुन की और नारियल की चटनी और इडली। और ये मेरा आज का लंच है, यम्मी सा।